આપની સાથે હું છું ઝરણા. સીબીઆઈની વિશેષ કોર્ટમાં હાલ દલીલ ચાલી રહી છે. સીબીઆઈએ ચિદમ્બરમને કોર્ટમાં રજૂ કર્યા બાદ કપિલ સિબ્બલે ચિદમ્બરમ તરફથી દલીલો શરૂ કરી હતી, જેમાં તેણે કહ્યું બદલાની ભાવનાથી આ ષડયંત્ર કરવામાં આવ્યું છે. જે રીતે સીબીઆઈએ ચિદમ્બરમની ધરપકડ કરી તે યોગ્ય ન કહી શકાય. જ્યારે પણ સીબીઆઈ કે ઈડીએ ચિદમ્બરમને બોલાવ્યા છે ત્યારે તેઓ સામેથી જ મળવા ગયા છે. આ કેસમાં ચિદમ્બરમ નિર્દોષ છે. ત્યારે આ જ અંગે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે દિલ્હીથી અમારા સંવાદદાતા શંકર આનંદ. શંકર, જાણના ચાહેંગે સીબીઆઈ કી કોર્ટ પે અભી દલીલે ચલ રહી હૈ, ફિલહાલ ક્યા ગતિવિધિયાં હો રહી હૈ ઓર દોનો પક્ષોને ક્યા દલીલ રખી હૈ, ઇસકે બારે મેં કોઈ જાણકારી બહાર આ પાઈ? દેખે, પિછલે કાફી સમય સે દિલ્હી સ્થિત રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટ મે યે મામલા ચલ રહા હૈ ઓર તકરીબન 3:15 કે લગભગ મેં રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટ મે પી ચિદમ્બરમ को लेकर सीबीआई की टीम पहुंची थी. उसके बाद लगातार जो दलील जो देने का काम जो है वो चल रहा है. हालांकि आने के बाद शुरुआती तौर पर औपचारिक तौर पे जो दस्तावेजी काम किया गया उसके बाद अब इस वक्त 5 बज रहा है, लेकिन इस वक्त में पी चिदम्बरम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और लगातार जो दलील देने का काम चल रहा है. जिस तरह से अगर बात करें सीबीआई के द्वारा इस मामले में काफ़ी मजबूती से दलील रखा जा रहा है और सीबीआई के अधिकारी इस मामले में बता रहे हैं कि किस तरह से पी चिदम्बरम की भूमिका आईएनएक्स डील मामले में है और किस तरह से बकायदा जिस वक्त में ये केंद्रीय मिनिस्टर रहे पी चिदम्बरम किस तरह से इस मामले में उनकी भूमिका रही. हालांकि यह पूरा का पूरा मामला फिर से घूम फिर के कार्ति चिदम्बरम पर आता है और सीबीआई ने सीबीआई के खिलाफ बकायदा दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में कार्ति चिदम्बरम को आरोपी बनाया गया, लेकिन कार्ति चिदम्बरम जमानत पे हैं. भास्कर रमन को इस मामले में आरोपी बनाया गया, बाद में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो जमानत पे हैं. तो इस मामले में पी चिदम्बरम को जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? पूरा मामला अब इस पर अटक गया है कि अब इस मामले में कपिल सिब्बल यानी कि पी चिदम्बरम के वकील वो चाहते हैं कि इस मामले में उनको जल्द से जल्द जमानत मिले और कोर्ट में सीबीआई की तरफ से जो बकायदा दलील जो रखी जा रही है उसमें कहा गया कि किस तरह से इस मामले में सबसे शुरुआती तौर पे एक डायरी रखा गया. उस डायरी में बताया गया कि ये डायरी का वास्ता कार्ति चिदम्बरम से है और कार्ति चिदम्बरम पी चिदम्बरम के बेटे हैं और उसके मनी ट्रेल से संबंधित और उनके फॉरेन फंडिंग और इसके साथ में उनके कई शेल कंपनियों से संबंधित तमाम जो जुड़े हुए जो मनी ट्रेल से जुड़े हुए जानकारी इस डायरी में है और उसको देख के समझा जा सकता है. और इसके साथ ही इंद्राणी मुखर्जी पीटर मुखर्जी का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि उन दोनों का काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण रोल है. इंद्राणी मुखर्जी अक्सर उस वक्त में नॉर्थ ब्लॉक जाती थी जिस वक्त में पी चिदम्बरम वहाँ पर वित्त मंत्री थे और वहाँ पर बैठ करके इस मामले का खाका खींचा गया. इस मामले में घूस की रकम कार्ति चिदम्बरम को दी गई और कार्ति चिदम्बरम ने बकायदा फौरन में इस मामले को इन्वेस्टमेंट किया और उसी के एवज में ये पूरा डील हुआ है. हालांकि ये इस मामले में कार्ति चिदम्बरम का कहना था उस वक्त में कि नहीं, इस मामले में वो कंसल्टेंसी फी के तौर पे दिया गया है. तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कल काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा के तहत बकायदा पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी हुई और आज ऐसा ही हाई वोल्टेज आज आर्ग्यूमेंट यानी कि दलील देने का काम कोर्ट के अंदर चल रहा है और पिछले 1.5 घंटे से लगातार इस मामले में दलीलें दी जा रही हैं और इस मामले में दोनों तरफ से सीबीआई के पक्ष की तरफ से भी काफ़ी मजबूती से अपक्ष दलील दिया जा रहा है और पी चिदम्बरम की तरफ से भी इस मामले में काफ़ी मजबूती से दलील दी जा रही है. तो आप देखना लाजमी है. हालांकि यहाँ शुरुआती तौर पे ही सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें ज़्यादा दिनों की नहीं, मात्र 5 दिनों की रिमांड चाहिए. तो अब 5 दिनों की रिमांड क्या पी चिदम्बरम को उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा वो देखना लाजमी होगा. हालाँकि जैसा कि सीबीआई के पक्ष एक मजबूत दलील दी गई है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि उनको आसानी से 5 दिनों का रिमांड मिल जाएगा. लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कोर्ट पर. कोर्ट इस मामले की गंभीरता को देखते हुए क्या फैसला सुनाता है वो देखना लाजमी होगा. जी बिल्कुल शंकर, जैसे कि हम सब जानते हैं पी चिदम्बरम की ओर से जो पक्ष की ओर से जो दो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु संघवी जो है वो पक्ष रख रहे हैं, तो ये जो सीबीआई और अभिषेक मनु संघवी और साथ में कपिल सिब्बल इन तीनों के बीच में मुख्य कौन कौन सी दलीलें हुई थी? हालांकि रिमांड मांगे गए हैं 5 दिनों के लिए. जैसे कि अब तक देखा गया है जितने दिनों के रिमांड मांगे जाते हैं उनसे काफ़ी कम दिनों के रिमांड दिए जाते हैं कोई भी आरोपी को लेकर. देखिए,
अगर पीसी रिमांड की बात करें तो पीसी रिमांड तो 14 दिनों का होता है और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि सीबीआई शुरुआती तौर पर ही 14 दिन का रिमांड मांगेगी, लेकिन जिस तरह से बाकायदा सीबीआई के पास आर्गूमेंट्स हैं, तमाम सबूत हैं, या जो इस मामले में आगे उस मामले के तफ्तीश को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने शुरुआती तौर पर ही 5 दिन का रिमांड मांगा, 5 दिन का रिमांड बेहद कम दिनों का होता है, तो इसके कम दिनों का रिमांड मांगे जाने का भी तर्क है कि हो सकता है कि कम दिनों को देखते हुए आसानी से वो रिमांड मिल जाएगा और इस मामले में जो भी रिमांड जो तारीख बाकायदा मुकर्रर किया गया था जो 5 दिन का, तो 5 दिन का रिमांड उनको आसानी से मिल जाएगा, तो ऐसा सीबीआई की टीम सोच रही है, इसलिए कम दिनों का रिमांड मांगा गया। और जब इस 5 दिनों के अंदर में सीबीआई मुख्यालय के अंदर में रख करके पी चिदम्बरम से 5 दिनों के अंदर पूछताछ होगी तो उसके बाद कई और मजबूत तथ्य बाहर आ सकते हैं, कई महत्वपूर्ण जानकारी बाहर आ सकती है जिसको रख करके फिर 5 दिन के बाद जब कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद पी चिदम्बरम की रिमांड और आगे मांगी जाएगी, यानी कि जो 14 दिनों का होता है उसमें 5 दिन शुरुआती तौर पर, उसके बाद बाकी रिमांड उसके बाद मांगा जाएगा। तो अब देखना लाजमी होगा कि कोर्ट सीबीआई की जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो दलील है, उसको किस नजर से देखेगी। जी बिल्कुल शंकर, अब से सुबह से लेकर लगातार अब तक ये मामला जो है पूरा छाया हुआ रहा है, जानना चाहेंगे कौन कौन सी मुख्य दलीलें हुई थी दोनों पक्षों के बीच में। खास तौर पर आपने बताया कि पी चिदम्बरम के बेटे जो हैं कार्ति चिदम्बरम, उनको आरोपी बताया गया है और चिदम्बरम को जमानत जो है वो मिलनी चाहिए, वैसे भी एक पक्ष रखा गया था, एक दलील रखी गई थी। जानना चाहेंगे कौन कौन सी मुख्य दलीलें रही हैं अब तक। देखिए मुख्य तौर पे जो पी चिदम्बरम की तरफ से जो दलीलें हैं उसमें ये कहा जा रहा है उनके वकीलों के द्वारा कि इस मामले के जो भी आरोपी हैं और अब तक इस मामले में जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सब आरोपी जमानत पर हैं, कोई भी जेल के अंदर में नहीं है। चाहे पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की बात करें या भास्कर रमन की बात करें जो सीए थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में, कई और भी अन्य दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, वो सभी अभी जमानत पर हैं, तो पी चिदम्बरम को भी जमानत मिलना चाहिए। इसके साथ ही पी चिदम्बरम के द्वारा जो उनके वकील हैं उन्होंने एक दलील और दिया था कि जो FIPV यानी कि विदेशी पैसा जो निवेश हुआ था एक मीडिया हाउस में और उसके एवज में जो एक घूस की रकम देने का आरोप है कार्ति चिदम्बरम पर, तो उस मामले में कहा गया कि जो मंत्रालय के द्वारा जो 5 सेक्रेटरी और जो उससे जुड़े हुए जो अधिकारी जो थे जो उस बैठक में शामिल थे जिन्होंने इस मामले में उस फाइल पे साइन किया था, जो मंजूरी की वाली फाइल पे साइन किया था, तो यहाँ पर मुख्य तौर पे उनकी भूमिका मजबूत काफ़ी यहाँ संदिग्ध है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए था लेकिन अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर पी चिदम्बरम की कोई भूमिका नहीं थी, वहाँ पर पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया। तो इस मामले में सीबीआई के द्वारा दलील दिया गया कि देखिए इस मामले में किंग पिन के द्वारा यानी कि जो मुख्य तौर पर मुख्य आरोपी के तौर पर पी चिदम्बरम को देखा जा रहा है, लिहाजा पी चिदम्बरम की भूमिका यहाँ पे काफ़ी संदिग्ध है और इसलिए उनको उसकी भूमिका उनको गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ ये भी आरोप लगाया गया कि वो जांच की प्रक्रियाओं में शामिल नहीं हो रहे थे, जांच की प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा कॉपरेट नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। और हालांकि पी चिदम्बरम पे जैसे आरोप की बात करें तो पी चिदम्बरम को पी चिदम्बरम से अब तक सीबीआई मात्र एक बार पूछताछ कर पाई है INX मीडिया डील मामले में। और इस मामले में दो अन्य और जो आरोपी हैं इंद्रानी और उसके पति पीटर मुखर्जी, तो वो दोनों भी अभी जेल में हैं लेकिन वो दोनों दूसरे मामले में जेल में हैं। उन इंद्रानी मुखर्जी को उनके बेटी सीना बोरा हत्याकांड मामले में जेल में भेजा गया था और इस मामले में अब वो सरकारी गवाह बन चुकी हैं और सरकारी गवाह बनने के बाद उनका जो बयान दर्ज हुआ है वो पी चिदम्बरम की मुश्किलें और आगे बढ़ा सकता है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि पी चिदम्बरम और इंद्रानी मुखर्जी को भी आमने सामने बैठा करके पूछताछ हो सकती है जिससे उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है इंद्रानी बनर्जी इंद्रानी का जो बयान है जो एक सरकारी बयान है वो उसका बयान काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। जी बिल्कुल शंकर, इसी खबर पर आप नजर बनाए रखें, अधिक जानकारी के लिए आपसे जुड़े रहेंगे। तो शंकर हमारा संवाददाता दिल्ली थी, लगातार आ विषय विस्तार थी माहिती पूरी पाड़ी रहा। आपने जनावी दिए कि कोर्ट में हाल बने पक्षों द्वारा दलीलों करवामां आवी रही छे, जो कि कपिल सिब्बल द्वारा जो दलील रजू करवामां आवी हती तेमां खास टांकवामां आव्युं हतुं के आ जे केस छे अने जे सीबीआई कार्यवाही करवामां आवी रही छे ते बदलानी भावनाथी करवामां आवी रही छे। साफ तौर पर अमित शाहना मामलाने लईने कदाच कपिल सिब्बल अहीं कोर्टमां पण उल्लेख करवा मांगी रह्या हशे।
બીજી તરફ આ કોઈ મામલો જે છે, આ કોઈ કેસ જે છે, તે કાર્તિ ચિદમ્બરમ તેમના પુત્ર પર છે અને તેને લઈને જ હાલ તો જે છે કાર્યવાહી કરવામાં આવે, તેમાં જામીન મંજૂર થવા જોઈએ ચિદમ્બરમના. તેઓએ અત્યાર સુધી જેટલી પણ વાર તેમની પૂછપરછ થઈ છે તેઓએ સહયોગ આપ્યો છે અને તેઓ સામેથી મળવા પણ ગયા છે અને આ તમામ મુદ્દાઓ ટાંકીને એક તરફ જ્યાં પી ચિદમ્બરમને છોડાવવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે કપિલ સિબ્બલ, મનુ સિંઘવી દ્વારા, ત્યાં બીજી તરફ સીબીઆઈ 5 દિવસના રિમાન્ડ માંગી રહી છે. જોવાનું એ રહેશે કે આ 5 દિવસના રિમાન્ડ ચિદમ્બરમને જે સીબીઆઈ માંગી રહી છે તે મળશે કે પછી તેમનો છુટકારો થશે. જોકે હાલ તો જે છે આપને જણાવી દઈએ, કોર્ટમાં જે કાર્યવાહી થઈ હતી અત્યાર સુધીની, ત્યારે સીબીઆઈએ દલીલ કરી હતી કે કેટલાક લોકોને પૈસા આપવામાં આવ્યા છે, ત્યારે કપિલ સિબ્બલ દ્વારા દલીલ કરવામાં આવી હતી ચિદમ્બરમ કોઈ પણ રીતે ભાગી નથી ગયા, જોકે 27 કલાક તેઓ ગુમ જરૂરથી રહ્યા હતા. આ તરફ સીબીઆઈએ દલીલ કરી હતી ચિદમ્બરમને જામીન મળવા જોઈએ તેવી દલીલ કપિલ સિબ્બલની હતી. એક તરફ કપિલ સિબ્બલ જે સતત લગાતાર પ્રયત્નમાં છે કે ચિદમ્બરમને જલ્દીથી જ તેમાંથી છુટકારો મળે, ત્યારે કપિલ સિબ્બલે કેસની તપાસ પૂર્ણ થઈ હોવાની પણ વાત કરી હતી, તેમના જામીન જે છે તે મંજૂર થવા જોઈએ તેવી વાત પણ મૂકી હતી. સીબીઆઈએ દલીલ કરી હતી કે ચિદમ્બરમની પૂછપરછ હજુ પણ ચાલુ છે, ત્યારે કપિલ સિબ્બલે આ મુદ્દે કહ્યું હતું કે અત્યાર સુધી ચિદમ્બરમે તપાસમાં પૂરો સહયોગ આપ્યો છે. તો આ તરફ સસ્પેન્ડેડ આઈએએસ ગૌરવ દહિયા